दोस्तों ये है बिलियन कंपनी की बिलियन वॉच, एनालॉग वॉच है ये। तो इस वीडियो में हम इनकी अनबॉक्सिंग और इनकी क्वालिटी और इनका लुक देखेंगे कि हमें किस टाइप से ये वॉच मिलती है। तो बॉक्स की पैकिंग हमें इस टाइप से मिलती है, थोड़ा सा डिब्बे शायद अंदर जो बॉक्स हैं वो ऊपर है क्योंकि ये पैकिंग थोड़ी टाइट लग रही है मुझे। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, ये हमें बिल साइड में रख देते हैं। इस टाइप से हमें ये चार बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने ये चार खरीदे हैं, दो दो घड़ियों के जोड़े हैं, दोनों एक जैसी है, दो ब्लैक कलर की है और दो ब्लू कलर की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो, और इस वीडियो को आगे तक देखें आप। इसमें एक सबसे बड़ी कमी हमें जो लगी फ्लिपकार्ट की तरफ से वो मैं आपको बताऊँगा। तो इस टाइप से हमें डिटेल्स मिल जाती है बॉक्स के नीचे, 1399 MRP है। वैसे दोस्तों मैंने 150 रुपये में ख़रीदे है, 149 रुपये में। इस पर भी 1399 रुपये MRP है, इस पर 1699 और इस डिब्बे पर भी 1699 रुपये MRP है। आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं बिलियन कंपनी का नाम लिखा गया है। ये दूसरी जिस पर 1399 MRP है, इस पर भी बिलियन कंपनी और फ्लिपकार्ट इधर साइड में कोने पर लिखा गया है। आप वीडियो पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये बॉक्स जो मुझे लग रहे हैं इनकी पैकिंग के हिसाब से, ये मुझे रिपब्लिक लग रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप डबल स्टिकर लगे हुए हैं, डबल स्टिकर रिपब्लिक बॉक्स पर अधिकतर मैंने देखे हैं प्रोडक्ट मंगवाते टाइम पे लगे होते हैं, तो इस पर भी डबल स्टिकर लगे हैं तो मुझे रिपब्लिक बॉक्स लग रहे हैं। तो ये फ्लिपकार्ट का माइनस पॉइंट होगा और आगे भी देखते हैं हम, देखें हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट में तो हम यहीं पर निराश हो गए। ये हमें ब्लैक कलर की घड़ी इस टाइप से मिलती है, देख लीजिए आप, इस टाइप से बिलियन का ये हमें स्टिकर मिलता है, इस पर डिटेल्स लिखी गई है। वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं चाहे तो। चलिए साइड में रख देते हैं, घड़ी को खोलते हैं। घड़ी की क्वालिटी 149 के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं। ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती है तो ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन है और प्लस मेंबरशिप की वजह से मेरा डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगा, तो ये मुझे काफ़ी सही प्राइस में पड़ गई। मतलब ये मुझे फाइनली 127 रुपये की प्राइस में पड़ी, क्योंकि वो कैसे मैं बताऊं आपको कि मैंने जब चार को परचेज़ किया तो इसमें 15% का डिस्काउंट आया, तो इसके टोटल 600 रुपये हुए थे, मतलब 600 के समथिंग हुए थे। तो 600 में 15% अगर हम डिस्काउंट करते हैं तो हमें समथिंग इसकी वैल्यू 500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ा, 510-12 के समथिंग ऐसे ही कुछ देना पड़ा। तो 506 रुपये शायद, मुझे याद नहीं रहा। तो इसका घड़ी की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये इस टाइप से मिलती है हमें, और ये आपको 150 रुपये में दिख जाएगी आराम से। इसमें कोई ऑफर ऑफर की ज़रूरत नहीं है, ये अभी भी शो हो रही है, बल्कि और कम प्राइस में। अभी मैंने एक दिन देखा इसको 134 रुपये प्राइस आ रही थी ब्लू कलर वाली की, ब्लैक की नहीं, ब्लैक तो गायब हो चुकी है अभी साइड पे से। अगर आप इनको घड़ियों को मंगवाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही होगा कि आप इसे ना मंगवाएं, आप बाज़ार से ख़रीद कर ले आएँ। आपको चीप मार्केट में अच्छी खासी घड़ियाँ मिल जाएगी और चालू कंडीशन में मिलेगी। ये घड़ी हमें चालू कंडीशन में, दो घड़ियाँ चालू कंडीशन में मिली और दो घड़ियाँ बिना चालू कंडीशन में मिली थी, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था इन घड़ियों का। तो मैंने इनको रिफंड पे डाला था, आप देख सकते हैं दूसरी घड़ी हमें इस टाइप की मिल जाती है। और ब्लू की तरफ बढ़ते हैं हम, ब्लू को मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की दिखती है। बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ मैं, ये देखिए, और ये जिस टाइप से इन्होंने टेप लगा रखी है ये मुझे रिपब्लिश्ड लग रहे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट ने हमें बताया नहीं कि ये रिपब्लिश्ड प्रोडक्ट है। और ये देखिए इसकी पिन हमें खुली हुई मिली है, खैर इसको तो हम लगा लेंगे अगर हमें पिन मिलती है तो। और ये अगला जो बॉक्स है इसमें भी हमें सेम घड़ी मिलती है, आप देख सकते हैं ये टेप लगा कर भेजी है फ्लिपकार्ट ने। तो दोस्तों मैं तो इनको रिटर्न पर डालूंगा वापस, मैं इनको घड़ियों को नहीं रखने वाला हूँ। और ये देख लीजिए घड़ी वैसे अच्छी लग रही है, अगर ये 100 रुपये में मिलती है तो ये घड़ी मैं अच्छी बताऊंगा, क्योंकि अगर 150 रुपये की बात करूं तो मैं बाज़ार से इससे भी अच्छी घड़ी खरीद के ला सकता हूं 150 रुपये में। हमारे यहाँ जो मेरा जो लोकल शहर है कोटा, यहाँ पर मार्केट में 150 रुपये में काफ़ी अच्छी घड़ियाँ मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन घड़ियों में ये जो ऊपर का डब्बा डब्बा दिखा होती है बस, ये बिलियन लिखा गया है इस पर, काफ़ी अच्छी बात है, मानते हैं कि ठीक है ब्रांडिंग की गई है, लेकिन इतनी भी कोई हाई क्वालिटी की नहीं है ये घड़ियाँ। आप फुल लुक देख सकते हैं ब्लू कलर की, आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, अगर 100 रुपये में आपको पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें इस टाइप से आती है
और डिलीवरी चार्ज वगैरह का भी वो रहता है, तो और आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। देखिए हाथ में इस तरह से हमें फील होती है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो घड़ियाँ देखने में तो इतनी बुरी नहीं लगती मेरा, लेकिन मेरा फाइनल जो आंसर होगा आप लोगों के लिए वो यही होगा कि आप इन्हें अगर 100 रुपये में मिलती है या इससे कम प्राइस में मिलती है तो परचेज कर लीजिए। बाकी तो इन्हें ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल ऊंची दुकान पीका पकवान वाली बात है। ये इसकी पिन है, ये खुली हुई, इसको मैं जोड़ लेता हूँ। टूटा हुआ तो नहीं है, बस ये पिन शायद निकल गई कैसे भी, तो मैं इसे जोड़ लेता हूँ। चलिए आसानी से फिट हो गई, चलो काफ़ी अच्छी बात है। और ये घड़ियाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था, ये दो घड़ियाँ जो ब्लू कलर की है ये तो हमें चालू मिली नहीं, अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, ये दो घड़ियाँ चालू है ही नहीं। ऊपर की जो ब्लैक वाली घड़ियाँ है वो तो चालू मिली हमें, आप देखिए ये दो घड़ियाँ बंद हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, और ये दोनों घड़ियाँ ये चालू है, काफ़ी अच्छी बात है। चलो अब ये भी बंद होती तो हमें उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, तो मैं इसे रिटर्न पर डालूंगा, देख लीजिए आप। तो दोस्तों फाइनली इन घड़ियों ने मुझे निराश किया, इनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा। और फ्लिपकार्ट की अधिकतर जो मैंने नोटिस किया, फ्लिपकार्ट की सर्विस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कभी कभी आती है, कभी कभी तो फ्लिपकार्ट हमें काफ़ी कुछ कर देता है और कभी कभी काफ़ी निराशाजनक सर्विस देता है फ्लिपकार्ट, ये मैंने अधिकतर नोटिस किया फ्लिपकार्ट की सर्विस में। अभी फिलहाल तो फ्लिपकार्ट ने मेरी आईडी भी ब्लॉक कर दी है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि आपने बल्क में ऑर्डर किए हैं। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि एक ही एड्रेस पर बल्क में ऑर्डर कभी भी ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप एक ही डिलीवरी एड्रेस पर मंगवाते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है, तो इसलिए आप एड्रेस चेंज कर कर ही प्रोडक्ट्स मंगवाएं। तो दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।